संभल जनपद के चंदोसी बिसोली गेट स्थित रोटरी क्लब के विशाल सभागार में रविवार को रोटरी क्लब चंदोसी अमन शाखा की ओर से आभार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि चंदोसी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन लता वाषणे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर रोटरी क्लब चंदोसी अमन के गवर्नर डॉक्टर डीके शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि रोटरी क्लब अमन समाज सेवा एवं अन्य सामाजिक कार्यों में लगातार सेवा करता रहा है। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब अमन आगे भी गरीब, निर्धन, असहाय और जरूरतमंदों की मदद को अपना सहयोग समय समय पर देता रहेगा। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों और रोटरी क्लब अमन के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका परिषद की चेयरमैन लता वाषणे ने कहा कि रोटरी क्लब अमन गरीब, असहाय और निर्धन लोगों की सदैव सहायता करता रहा है और सदैव सहायता करता रहेगा, और आप सब से भी अपेक्षा करते हैं कि आप सब भी रोटरी क्लब अमन के साथ कार्य करें। कार्यक्रम में रोटरी क्लब के पदाधिकारियों और मुख्य अतिथियों का आभार एवं सम्मान किया गया, जिसमें सम्मान के स्वरूप में प्रतीक चिन्ह और रोटरी क्लब अमन की एक माला भेंट स्वरूप दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। रोटरी क्लब चंदोसी अमन की ओर से सम्मान एवं आभार समारोह आयोजित किया गया है, उसमें आप विशिष्ट अतिथि हैं, क्या कहेंगे इसमें? सभी लोग आगे रहते हैं समाज सेवा में, और मैं खुद भी रोटेरियन हूँ, रोटरी भारत से जुड़ी हूँ, और यहाँ पर जहाँ तक ये साथ किया है और समाज सेवा में हमेशा आगे रहते हैं, और मान सम्मान आज मेरे को घर पर इन्वाइट किया गया, और सब मेरे सभी अपने भाई बंधु हैं, मुझे आकर बहुत अच्छा लगा, और रोटरी क्लब चंदोसी अमन की ओर से सम्मान एवं आभार समारोह आयोजित हुआ है, क्या कहेंगे इसमें? जी, मैं रोटरी क्लब की अध्यक्ष रही 22-23 की, पूजा किशोर। मुझे सभी का आभार देना था आज, क्योंकि सभी ने मेरे सत्र में बहुत अच्छा कार्य किया, सभी ने मुझे पूर्ण सहयोग दिया, और मुझे इसी सहयोग की आज आभार देना था, और इसलिए आज हमने ये मीटिंग आयोजित की। हमारे इस सत्र के गवर्नर हमारे साथ थे आज, और ये सभी, ये मेरी सेक्रेटरी जी हैं, ये हमारे जेडीजी की मैडम है, तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरी क्लब की सभी सदस्य आज उपस्थित रहे और मैं सभी को आभार दे पाई।